हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही रिफ्रेशिंग कूल इजी रेसिपी ऑफ मोहितोस। सो हम बनाएंगे दो तरीके के मोहितो। फर्स्ट है क्लासिक मोहितो एंड सेकंड वन इज वाटरमेलन मोहितो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू वर्क द रेसिपी। सो मैंने लिया एक कांच का ग्लास, फिर कुछ पुदीना के पत्ते, ये एकदम फ्रेश पुदीना के पत्ते हैं, और कुछ टुकड़े नींबू के। आप इसमें लेमन जूस यूज नहीं कर सकते, आपको लेमन के टुकड़े ही चाहिए। रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब मैंने डाला है इसमें शुगर, चीनी, आप इसमें हनी भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप स्प्राइट यूज करने वाले हो तो आप शुगर स्किप कर सकते हो। अब मैंने डाला है इसमें काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, और अब हम डालेंगे इसमें वाटरमेलन। एज हम वाटरमेलन मोहितो बना रहे तो मैंने लिए 5-6 टुकड़े वाटरमेलन के। अब वाटरमेलन डालने के बाद मैंने लिया है ये नॉर्मल हमारे घर में जो आधी कूटने वाला होता है वो मैंने लिया है। बार टेंडर लोग तो मर्डलर और यूज़ करते हैं, पर मैंने ये घर में जो अवेलेबल था मैंने यही यूज़ किया है। अब इसे हम इसे प्रेस करेंगे, बेसिकली हम इसे पाउंड करना है सो दैट वाटरमेलन से जूस रिलीज आउट हो और नींबू से भी जूस रिलीज हो और चीनी मेल्ट हो जाए और पुदीना और लेमन से एकदम ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। सो आप इसे ज़रूर ऐसे पाउंड करें। यही रीज़न है कि मैंने लेमन जूस यूज़ नहीं किया, लेमन यूज़ किया है। लेमन को जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने डाला है इसमें आइस। आइस इसमें एकदम कंपल्सरी है बिकॉज आइस डालने से बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा आपका मोहितो को। अब मैंने डाला है नॉर्मल चिल्ड वाटर। आप वाटर की जगह सोडा या फिर स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हो या फिर रम भी यूज़ कर सकते हो कुछ क्वांटिटी में। मैंने ऐसे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा एक लेमन का टुकड़ा डाला है। अब इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा वापस वाटरमेलन के एकदम बारीक कटे टुकड़े मैंने डाला है। अच्छा लगता है, आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। सो बस अब इसे कर दीजिए मिक्स और हमारा वाटरमेलन मोहितो बनके तैयार है। एकदम ही ईजी, एकदम ही रिफ्रेशिंग। एज मैंने आपको बताया मैंने पानी यूज किया है, चिल्ड वाटर। आप इसकी जगह स्प्राइट या सोडा भी यूज कर सकते हो। सो सी हाउ कूल एंड हाउ रिफ्रेशिंग इट लुक्स। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और पीने में उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा। सो अब चलिए बनाते हैं हम सेकेंड तरीके के क्लासिक मोहितो। मैंने लिया है ग्लास। ग्लास में डाले वही 5-6 टुकड़े लेमन के, नींबू के, और इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्ते। ये एकदम फ्रेश पुदीना के पत्ते है, पुदीना के पत्ते एकदम कंपल्सरी है इसमें डालना। इसमें लिया है मैंने चीनी, अगेन द सेम, अगर आप स्प्राइट यूज करने वाले हो तो शुगर स्किप कर सकते हो। मैंने डाला है इसमें काला नमक और फिर हम सेम प्रोसेस इसे पाउंड करेंगे और लेमन और पुदीना से इसका जूस रिलीज आउट करेंगे। देखिए ऐसे आप 2-3 मिनट भी करोगे ना एकदम शुगर मेल्ट हो जाएगी, पुदीना उसका शुगर से जूस रिलीज होगा और ये लिक्विडी हो जाएगा। इसमें डालिए खूब सारा आइस। अब आइस डालने के बाद मैंने यूज किया है वाटर। आप अगेन सोडा या स्प्राइट यूज कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमारा क्लासिक मोहितो भी बनके तैयार है एंड इज वेरी इजी, वेरी रिफ्रेशिंग। इस समय में आप ये जरूर बनाइए, आई लाइक ट्रस्ट मी, आप बहुत रिफ्रेश फील करोगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।